दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी पर राधा कृष्ण की भूमिका निभाने वाली चार खूबसूरत जोड़ियों के बारे में जो दर्शकों के द्वारा काफ़ी पसंद की गई थी। अगर आप भी इन जोड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, स्वप्निल जोशी और रेशमा मोदी। साल 1983 के लोकप्रिय टीवी शो कृष्ण में स्वप्निल जोशी ने भगवान श्री कृष्ण तथा रेशमा मोदी ने राधा का रोल प्ले किया था। इस टीवी शो का प्रसारण दूरदर्शन पर साल 1994 से 1996 तक किया गया था। ये शो 90 के दशक के सबसे बेहतरीन धार्मिक कार्यक्रमों से एक माना जाता है और साथ ही इस राधा कृष्ण की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। नंबर दो, मेघन यादव और कृतिका शर्मा। मेघन यादव ने टीवी शो जय श्री कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण व कृतिका शर्मा ने राधा रानी की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। आपको बता दें कि धारावाहिक जय श्री कृष्ण ने कलश टीवी पर 21 जुलाई 2008 को डेब्यू किया था। इस शो का अंतिम एपिसोड 15 सितंबर 2009 को छोटे पर्दे पर प्रसारित किया गया था। नंबर तीन, मृणाल जैन और पूजा बनर्जी। साल 2008 के लोकप्रिय शो कहानी हमारे महाभारत की में मृणाल जैन ने श्री कृष्ण तथा पूजा बनर्जी ने राधा की भूमिका अदा की थी। धारावाहिक कहानी हमारे भारत की एकता कपूर द्वारा निर्मित सबसे दमदार टीवी शो में से एक माना जाता है। नंबर चार, सुमित मृदुलकर और मल्लिका सिंह। आपको बता दें कि वर्तमान समय में टीवी सीरियल राधा कृष्ण में टीवी एक्टर सुमित मृदुलकर कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टीवी की जानी मानी अभिनेत्री मल्लिका सिंह इस टीवी शो में राधा की भूमिका निभा रही हैं। बता दें कि इस धारावाहिक की प्रसारण 1 अक्टूबर 2018 से लगातार छोटे पर्दे पर किया जा रहा है। उन दोनों की जोड़ी को दर्शकों को द्वारा बेहद प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों, इनमें से राधा कृष्ण की कौन सी जोड़ी सबसे ज्यादा आकर्षक है? दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय दें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।